नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शिल्पा रावत। हेलो डॉक्टर, देख रहे हैं आप जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जानते हैं कि गठिया रोग एक गंभीर समस्या है। हमारे शरीर की हड्डियां कई जगह से जुड़ी होती हैं, इन्हीं जोड़ों को गठिया रोग प्रभावित करता है। समय पर इलाज ना हो तो ये समस्या दूसरे जोड़ों में भी पहुंच सकती है। पहले ये समस्या ज्यादातर बुजुर्गों में देखने को मिलती थी, लेकिन बदलती जीवन शैली के चलते आज के नौजवान भी गठिया रोग से पीड़ित हो रहे हैं। इसी गठिया रोग के कारण, लक्षण और निवारण के लिए हमारे पास मौजूद हैं एक्सपर्ट डॉक्टर्स का पैनल। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अनुपम बाखलू जो MBBS और डॉक्टर अनुपम KGMU लखनऊ के रियोमेटोलॉजी विभाग के हेड भी रहे हैं। डॉक्टर अनुपम 6 बेहतरीन बुक्स के लेखक भी हैं। नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स के इनके 60 से ज्यादा पेपर पब्लिश हो चुके हैं। हमारे साथ दूसरे एक्सपर्ट जो मौजूद हैं वो प्रोफेसर डॉक्टर विकास अग्रवाल हैं। डॉक्टर अग्रवाल MBBS, MD, DM, MNAMS हैं। डॉक्टर विकास अग्रवाल इंडियन जनरल ऑफ ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। रियोमेटोलॉजी के एडिटर इन चीफ भी हैं। आप दोनों का जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अनुपम, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी, ये गठिया रोग आखिर है क्या और ये गठिया रोग कितने प्रकार का होता है? गठिया रोग जो है कई प्रकार का होता है। अमूमन तौर पे लोग ऐसा सोचते हैं कि एक ऑस्टियोआर्थराइटिस है, एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस है और एक गाउट है। यही 3 प्रचलित गठिया के रोगों के बारे में बात होती है, बट कम से कम गठिया 30 से 35 प्रकार के रोगों में हो सकती है। तो ये इम्पॉर्टेंट है जानना कि कई सारे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं जो गठिया के रूप में प्रेजेंट करते हैं। डॉक्टर विकास, गठिया रोग की जब हम बात कर रहे हैं तो गठिया रोग के बढ़ने के असली कारण कौन कौन से हैं, किस वजह से ये बढ़ता है? कुछ चीज़ों को हम एक्चुअली रोक सकते हैं। जैसे आपने बड़ा मेरे हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जिससे हमारी बीमारी की तीव्रता कम हो जाए या बीमारी ना बढ़े। और जैसे डॉक्टर अनुपम ने अभी बात किया था कि जो वातावरण है इसका बहुत अत्यधिक प्रभाव है हमारी बीमारी के ऊपर। ऐसा भी देखा गया है कि जो 2 भाई या बहन जो एकदम मोनोजाइगोटिक ट्विंस थे, यानी जिनका DNA भी सेम था, उनमें से एक को बीमारी हुई, एक को नहीं हुई। क्यों? क्योंकि एक भाई जो था वो सिगरेट पीता था, तो सिगरेट के धुएं का प्रभाव बहुत ख़राब है जोड़ों के लिए। और ऐसा देखा गया है कि जो लोग रूमेटॉइड आर्थराइटिस जिनको है, अगर वो सिगरेट पी रहे हैं तो उनकी बीमारी की तीव्रता भी ज़्यादा है, उन्हें दवाइयों का सेवन भी ज़्यादा करना पड़ेगा और उन्हें बीमारी से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस भी ज़्यादा होंगी। तो अगर किसी के परिवार में किसी को गठिया रोग है तो बाकी सदस्यों को इस तरह से इसको छोड़ देना चाहिए, सिगरेट को। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही साधारण है लेकिन हम इसको अगर पालन करें तो बहुत अच्छे से बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं, वो है वज़न का बढ़ना। ये देखा गया है कि ओबेसिटी से बीमारी की तीव्रता अगेन बढ़ जाती है और बीमारी को कंट्रोल करने में बहुत दिक्कत आती है और बहुत ही गिनी चुनी दवाइयाँ रह जाती हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो अगर परिवार में किसी को गठिया रोग है तो बाकी सदस्यों को चेतन्य हो जाना चाहिए और किसी भी तरह का वातावरण का जो दुष्प्रभाव बीमारी पे पड़ सकता है, या उन्हें भी ये बीमारी हो सकती है, या वो अपने वज़न पे ध्यान रखें और उसको डाइट के हिसाब से या अपनी एक्सरसाइज के हिसाब से नियमित करें ताकि उनकी बीमारी जो है वो बढ़े नहीं। डॉक्टर अनुपम, गठिया रोग के लक्षण अगर हैं तो वो कैसे हम पता कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर इसी चीज में हम चूक जाते हैं कि लक्षण कौन से हैं, और अगर किसी को गठिया रोग है तो पहचान वो कैसे कर सकता है? जैसे कि गठिया वर्ड है, गठिया का लक्षण है जोड़ों में दर्द होना, ये तो मुख्यतः है। मगर जो बीमारियां गठिया करती हैं जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या SLE है, तो ये शरीर के और भी अंगों को इन्वॉल्व कर सकती हैं। तो आपको लक्षण हार्ट से रिलेटेड मिल सकते हैं, फेफड़े से रिलेटेड मिल सकते हैं, जोड़ से रिलेटेड तो मिलेंगे ही मिलेंगे, और इसके अलावा गुर्दा इन्वॉल्व हो सकता है, चमड़ी या खाल इन्वॉल्व हो सकती है। तो विभिन्न अंगों को इन्वॉल्व करता है ये बीमारियाँ जी।
ठीक डॉक्टर विकास, गठिया रोग के मरीज की अगर हम बात करें तो सावधानियां कौन सी वो होनी चाहिए जिससे वो बच सकता है, या फिर वो सावधानियां बरतकर वो खुद को बेहतर कर सकता है, और गठिया से ग्रसित जो व्यक्ति है वो कैसे अपनी जीवन शैली जो है उसको अच्छा बना सकता है, या फिर कौन सी जीवन शैली जो है उसको अपनानी चाहिए? हाँ, अति आवश्यक है, लेकिन इसके लिए हम दो चीजें कहते हैं। एक तो जब बहुत तीव्र दर्द हो या बहुत तीव्र गति से गठिया रोग शुरुआत हुई हो, उस वक्त हम जरूर कहते हैं कि आप अभी व्यायाम ना करें, लेकिन जैसे जैसे आप स्वस्थ होने लगते हैं, ठीक होने लगते हैं, तो अपने सारे जोड़ों को जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं उन्हें, और जिन्हें नहीं भी करते हैं, एक तरीके से ध्यान दें कि उन सारे जोड़ों का मूवमेंट करें आप, जिससे कि जो आपके जोड़ों के आसपास की मांसपेशियां हैं और जो आपकी हड्डियां हैं वो मजबूत बनी रहें, ताकि जब आप स्वस्थ हों तो आपको और कमजोरी का सामना ना करना पड़े। अनुपम जी, मेरा सवाल आपसे है कि जो गठिया रोग का पेशेंट होता है, कितना दर्द उसमें होता है, और ये जो पेन होता है, क्या गठिया से होने वाली सूजन जो है वो एक दर्द का बहुत बड़ा कारण हो सकता है? दर्द जो है, दर्द का तो कोई प्रकार नहीं होता, बट गठिया में पेन जितने भी होते हैं ज़्यादातर तीव्र होते हैं और एक्यूट ऑनसेट होते हैं। जब वो बहुत लंबे समय तक रहते हैं तो बहुत सारे जोड़ों में दर्द हो जाता है। सूजन में मुख्यतः एक तो पानी भराना जोड़ों के अंदर, उसकी वजह से सूजन होती है, और दूसरा अगर जो लाइनिंग है जोड़ों की, जिसको हम लोग साइनोवियम कहते हैं, जब वो सूज जाती है तो उसकी वजह से भी सूजन जोड़ों में आ जाती है। डॉक्टर विकास, पेन किलर्स की अगर हम बात करते हैं, या फिर स्टेरॉइड की बात करते हैं, मेडिसिंस की बात करते हैं, तो इसके बारे में हमें थोड़ी जानकारी दीजिएगा, क्योंकि जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनके लिए काफी फायदेमंद ये रहने वाला है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव करने वाली जो दवा है वो पेन किलर्स हैं, और मैं भी इस बात को बहुत गहनता से नहीं लेता था या गंभीरता से नहीं लेता था कुछ वर्षों पहले तक, जब तक हमने एक अपना खुद ही का शोध नहीं किया। प्लस बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, शोध पत्र हैं, जहाँ पे लोगों ने दिखाया कि इससे हार्ट अटैक होने की या स्ट्रोक होने की, ब्रेन में स्ट्रोक होने की संभावनाएं जो हैं वो बढ़ जाती हैं। तो इसके लिए मेरा सजेशन है कि दर्द की दवाइयाँ सिर्फ थोड़े समय के लिए ली जा सकती हैं, वो भी डॉक्टरी सलाह के अनुसार। उसमें भी कौन सी दर्द की दवा लेनी है, जैसे डॉक्टर ने बताया वो ही इस्तेमाल करें। हो सकता है कि एक दर्द की दवा से आपको आराम ना मिले, लेकिन आप वापस जाएं डॉक्टर के पास, वो आपको दोबारा से बता सकते हैं कि दूसरी दवा ट्राई कर लीजिए आप। रही बात स्टीरॉयड की, जो कि एक बहुत ही भ्रांति भी है और एक मैं कहूँगा कि कहीं जगह उसमें बहुत सच्चाई भी है। 1950 में नोबेल लॉरिएट्स थे तीन लोग जिन्होंने इसकी एक तरीके से खोज की थी, और उसके बाद से अनगिनत लोगों की जान बची है स्टेरॉयड के यूज़ से। तो स्टेरॉयड कोई बुरी दवा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, ये दवा ख़राब वहाँ पे, वैसे कोई भी दवा ख़राब है अगर उसका इस्तेमाल हम ठीक से नहीं कर रहे हैं। जहाँ पे इंडिकेटेड है अगर हम वहाँ पे इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो ज़्यादा चांसेस हैं कि हमें, अगर होंगे भी तो बहुत थोड़े साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, बहुत थोड़ी देर के लिए होंगे। तो इसमें बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि थोड़े प्रभाव, थोड़े दिन के बाद वो जाना बंद कर देते हैं डॉक्टरी सलाह लेने के लिए, और ख़ुद से ही स्टेरॉयड चालू रखते हैं, जिसकी वजह से उनको लंबे समय तक, और इसके शरीर के हर अंग पे दुष्प्रभाव हैं, आँखों में कैटरेक्ट, ग्लूकोमा होना, रोशनी का जाना से लेके हार्ट अटैक की संभावना बढ़ना, आँतों में छेद का हो जाना, हड्डियों का कमज़ोर हो जाना, मांसपेशियों का कमज़ोर हो जाना, सभी पे बहुत ही दुष्प्रभाव हैं। लेकिन अगर आप डॉक्टरी सलाह के अनुसार ले रहे हैं तो घबराएं नहीं। तो देखिए, ये तो मेडिसिंस के बारे में डॉक्टर ने हमें बता दिया कौन कौन सी मेडिसिंस आपको लेनी चाहिए इसमें, ताकि आप खुद को सुरक्षित कर सकते हैं। लेकिन सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि ये जो गठिया है वो हमारे शरीर का कौन सा अंग जो है उसे प्रभावित करता है? जी, तो जैसे कि मैंने कहा कि जोड़ तो इन्वॉल्व होते ही हैं, मगर डिपेंडिंग ऑन कौन सी बीमारी गठिया कर रही है। जैसे रूमेटॉयड आर्थराइटिस का एग्जांपल ले लें, तो जोड़ों के अलावा रूमेटॉयड आर्थराइटिस फेफड़े को भी इन्वॉल्व कर सकती है, 20-25 साल अगर रहे तो गुर्दे को भी इन्वॉल्व कर सकती है, लार बनाने की क्षमता पर असर डाल सकती है, और चीज़ों पर भी असर हार्ट पर डाल सकती है। ये वेल नोन है कि जब रूमेटॉयड आर्थराइटिस की बीमारी कंट्रोल नहीं होती है तो उनका हार्ट अटैक होने की क्षमता आम जनता से करीब 2-3 गुनी हो जाती है।
बिल्कुल डॉक्टर साहब, अगर हमें गठिया रोग की समस्या है तो फिर क्या इसका इफेक्ट जो है वो दूसरे अंगों पर भी पड़ता है और कितना ज्यादा पड़ता है? हाँ, जैसे डॉक्टर अनुपम ने अभी हाईलाइट किया, एक्चुअली जो ये हम सोचते हैं कि गठिया सिर्फ जोड़ों तक ही सीमित है, ये सही नहीं है। ज़्यादातर गठिया वाली जितनी भी बीमारियां हैं ये शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकती हैं, चाहे वो आपकी आँख हो, चाहे आपका ब्रेन हो, स्किन हो, लंग्स, हार्ट, किडनी, इंटेस्टाइन, कोई भी ऑर्गन ऐसा नहीं है जो अछूता है इससे। तो इसलिए सभी लोग जो गठिया के रोग से पीड़ित हैं उन्हें ये बात समझ में आनी चाहिए कि किसी अन्य अंग में भी अगर कोई परेशानी हो रही है तो ये हो सकता है कि गठिया की वजह से ही ऐसा हो रहा हो। और ये बात उनके लिए इसलिए भी ज़रूरी है कि जब वो डॉक्टर को दिखाने के लिए जाएं तो अन्य अंगों की परेशानियों को छुपाएं नहीं या बताएं नहीं, ऐसा ना करें। वो अपनी सारी की सारी तकलीफ़ों को डॉक्टर को जाहिर करें ताकि वो एक पूरी बीमारी का आंकलन अच्छे से कर सकेंगे। बिल्कुल सर, एक सबसे बड़ा सवाल ये भी है क्योंकि इसको लेकर कई रूमर्स भी रहते हैं, कई मिथ भी है, उनको क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो ऐसे में क्या जो गठिया रोग है वो जेनेटिक होता है या फिर क्या पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है वो आगे कंसिडर होती है, ये गठिया आगे भी जा सकता है? अगर परिवार में किसी एक जने को गठिया है या ऐसा कह लें कि ऑटोइम्यून बीमारी है तो परिवार के और लोगों में ऑटोइम्यून बीमारी की संभावना होने की क्षमता बढ़ जाती है, ये तो डेफिनेट है। बट हर एक आदमी को गठिया होगी ही परिवार में, ये कोई ज़रूरी नहीं है। और ये डिपेंड करता है कि उसका इम्यून सिस्टम उसके शरीर से कैसे इंटरैक्ट कर रहा है और वो कैसे एनवायरनमेंट में पला बड़ा है, क्योंकि इन्हीं तीन चीज़ों के मिश्रण से, इम्यून सिस्टम, शरीर की बनावट और एनवायरनमेंट, इन तीन चीज़ों से ये डिपेंड करता है कि बीमारी शरीर में प्रकट होती है अथवा नहीं। ठीक सर, ये जो गठिया रोग है उसे बेहतर किस तरीके से किया जा सकता है या फिर ये मान के चलिए आप कि इसका बेहतर इलाज जो है वो कैसे किया जा सकता है, क्या इसके इलाज के लिए किसी विशेषज्ञ डॉक्टर के पास जाना चाहिए जो स्पेशलिस्ट हो? देखिए, गठिया का उपचार डिपेंड करता है कि किस तरह का गठिया है। और जैसे डॉक्टर अनुपम ने बताया अभी कि गठिया बहुत सारी प्रकार का हो सकता है, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि किस तरह की बीमारी आपको है। लेकिन उसमें मेरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सुनने वालों के दिमाग में पहुँचाने के लिए, वो ये है कि आप अपने डॉक्टर की सलाह को अक्षरशः पालन करें। पूरे भारत में जो हमारी इंडियन रूमेटोलॉजी एसोसिएशन है, गठिया रोगों के विशेषज्ञों की जो संस्था है, उसमें आज भी 1200 से ही के ही लगभग लोग रजिस्टर्ड हैं। और ये रजिस्टर्ड हैं, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका कि बहुत एक अच्छा एक तरीके से पैशन है इस बीमारी को ट्रीट करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि उनकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग हुई हो, तो फॉर्मली ट्रेन लोग और भी कम हैं। ऐसे में मेरा सजेशन है कि जो आपके हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं या जो आपके जनरल फिजिशियंस हैं, MD फिजिशियंस हैं, या इवन अगर कोई निकटतम MBBS डॉक्टर भी हैं आपके, उनको ज़रूर से दिखाएँ। लेकिन कोशिश करें अगर विशेषज्ञ अवेलेबल हैं तो हम विशेषज्ञ को दिखाएं, और नहीं तो हम अपने डॉक्टर से सलाह लें कि क्या हमें विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए, उनकी उनके अनुसार। ठीक सर, अब जरा इस बात को भी हमें समझाइएगा आप, क्योंकि एज फैक्टर जो है वो भी काफी मायने रखता है। तो ऐसे में जो गठिया की बीमारी है वो किस उम्र में हो सकती है और क्या बच्चे हो या फिर जवान हो इनको भी ये दिक्कत हो सकती है, इनको भी ये समस्या हो सकती है? और अगर हम औरत और आदमी की बात करें तो गठिया रोग से ज्यादा प्रभावित कौन होता है? अमूमन तौर पे डिपेंड करता है कौन सी बीमारी गठिया कर रही है, उसके हिसाब से उम्र जुड़ी होती है। जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस कह लें तो नॉर्मली कहते हैं कि 50 से ऊपर की बीमारी है, और रूमेटॉयड आर्थराइटिस है नॉर्मली यंग टू मिडिल एज है, तो 20 से 40 साल के बीच में। मगर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि क्योंकि गठिया के इतने प्रकार हैं और गठिया करने वाली बीमारियाँ इतनी विस्तृत हैं, तो हम लोग का शायद यंगेस्ट पेशेंट 2 से 3 महीने का भी हो सकता है और ओल्डेस्ट पेशेंट 90 साल का भी हो सकता है। और जहाँ तक लिंग का सवाल है, ज़्यादातर ऑटोइम्यून बीमारियाँ औरतों में कॉमन होती हैं, बट कुछ बीमारियाँ ऐसी भी हैं जो मेल्स में कॉमन होती हैं। तो अमूमन तौर पे गठिया औरतों में थोड़ा ज़्यादा दिखाई देता है,
ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कई सारी बीमारियां लेडीज़ का, क्योंकि एक्सेस टू मेडिकल केयर रिलेटिवली हमारे देश में कम है, ख़ास तौर पे गांवों में, तो वो पकड़ में थोड़ा देर से आती है। ठीक सर, चूंकि ये लगातार कहा जाता है कि आप योग करिए और योग करने से आप फिट रहते, तो ऐसे में अगर कोई व्यक्ति व्यायाम करता है तो उसके शरीर के लिए कितना लाभदायक होगा अगर उसे गठिया है, और क्या एक्सरसाइज से गठिया जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है? अत्यधिक इम्पॉर्टेंट है, खासकर युवाओं के लिए, क्योंकि इस जनरेशन में हम लोगों के सामने सामने देखते हुए जिस तरह से समाज का परिवर्तन हो रहा है, जीवन शैली पे इसका बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव हो रहा है। तो इसके लिए मेरा सजेशन है कि सभी घरों में जो भी यंग हैं आज के सुनने वालों को, वो अपने माँ बाप और या अपने ग्रैंड पेरेंट्स को फॉलो कर सकते हैं। आप आज भी देखेंगे कि आपके दादा दादी आज भी बहुत ही नियमित समय से उठते हैं, नियमित समय से खाना खाते हैं, उनका साधारण भोजन है और उस भोजन में सभी तरह के एक तरीके से न्यूट्रिशनल और विटामिंस और सब कुछ अवेलेबल है, ना कि ये जो फास्ट फूड है या जो हम बहुत तेज़ी से स्वादिष्ट खाने के पीछे दौड़ते हैं। जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आज की कल्चर के हिसाब से, वो ये है कि समय पे सोना और समय पे उठना अति आवश्यक है, और कहीं ना कहीं अपने आप को एक रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी के लिए एंगेज करके रखें, चाहे आप जिम जाएं, चाहे आप किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भाग लें। ये माँ बाप के लिए भी है और स्कूल के सुनने वाले टीचर्स के लिए भी है, खासकर ज़रूर से दिन में हर क्लास में एक पीरियड ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पे बच्चे बाहर मैदान में निकल के खेल सकें, क्योंकि सभी लोग आजकल बंद कमरों में मोबाइल या डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे अपना समय व्यतीत करते हैं, जो अच्छा नहीं है। तो थोड़ा सा अगर नियमित कर लेंगे जीवन शैली को अपना, तो मेरे को लगता है उससे आपका वजन भी ठीक रहेगा, आपको कोई व्यसन भी नहीं होंगे और आपका शरीर स्वस्थ बना रहेगा। डॉक्टर अनुपम, मेरा एक सवाल आपसे और है, डाइट को लेकर अक्सर जब बीमारी कोई रहती है तो काफी पशुपेश की स्थिति में जो है कोई भी पेशेंट रहता है, क्या उसे लेना चाहिए क्या उसे नहीं लेना चाहिए, तो गठिया के जो पेशेंट्स हैं उनको आप क्या हिदायत देना चाहेंगे, एडवाइस देना चाहेंगे कि डाइट कौन सी उन्हें लेनी चाहिए जो कि उनकी बेहतरी के लिए? मुझे ऐसा लगता है कि जो हम लोग प्रैक्टिकली पेशेंट को एडवाइस देते हैं कि भाई आप सुनी सुनाई बातों पे मत जाइए, आप सब कुछ खाने का प्रयत्न करें। आपको जिस चीज़ से बार बार खाने पे तकलीफ हो, मसलन अगर कोई मरीज़ कहता है कि साहब मैंने 5 बार दही खाई और 5ों बार मेरे जोड़ों में तकलीफ़ हुई, तो भाई हम उसको ये एडवाइस देंगे कि आप अपने डाइट से दही का सेवन कम कर दें, मगर ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यही खाना दूसरे के खाने पर भी गठिया की तीव्रता को बढ़ाएगा। हाँ, ये ठीक बात है कि कई सारी गठियाओं में पेट के बीच में और गठिया के बीच में एक अभिन्न लगाव है, तो हो सकता है डाइट से फ़र्क तो पड़ता होगा, बट मुझे लगता है हर इंसान को ये चीज़ अपने शरीर अपने गठिया के हिसाब से डिसाइड करना बेहतर होगा और डॉक्टरी सलाह से डिसाइड करना बेहतर होगा। जो चीज़ें बिल्कुल हार्मलेस हैं और अगर आपको लगता है कि आप ट्राई करना चाहते हैं तो आप ट्राई कर लें, मगर उसको सीमित समय के लिए ट्राई करें, नंबर वन। और दूसरी चीज़, पाउडर नुमा चीज़ें जो कोई बना के दे उनको मेहरबानी करके सेवन ना करें, क्योंकि कई बार उनमें जो है स्टीरॉयड पीस के मिला दिया जाता है और आपको लगता तो है कि फ़ायदा हो रहा है, मगर आपका वज़न बढ़ता है, आपका बीपी बढ़ता है, आपका शुगर बढ़ता है, आपका चेहरा गोल हो जाता है और फिर परेशानियां होती हैं। डॉक्टर, हमने अमूमन देखा है कि पेशेंट्स या तो ट्रीटमेंट बदल देते हैं या फिर जब उन्हें आराम मिलने लगता है तो वो दवाइयां बंद कर देते हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? ये बहुत ही मेरे हिसाब से कॉमन प्रॉब्लम है जो हर दिन हम लोग अपनी ओपीडीज में देखते हैं। अक्सर लोग इस तरह की गलतियां करते हैं कि कुछ महीने या कुछ वर्ष ठीक रहने के पश्चात भी वो दवा बंद कर देते हैं, या जिनको उनकी एक्सपेक्टेशन के अनुसार आराम नहीं आ रहा होता है, वो सोचते हैं कि आयुर्वेदिक, यूनानी या होम्योपैथिक मेडिसिंस में शायद कोई इसका बहुत कारगर इलाज है। लेकिन पिछले 25 साल 30 साल के मैं अपने सफ़र को देखूं इसी स्पेशलिटी में, तो मैंने आज तक एक भी मरीज को ठीक होते नहीं देखा है, और जबकि मैं आमतौर से अमूमन 2000 मरीज एक महीने में देखता हूँ।
उसके बावजूद भी लोग इस तरह से भ्रांतियाँ रखते हैं। कहीं ना कहीं एक ये प्रोपेगेंडा या एक तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन है जो मैगजीन्स में, सस्ती मैगजीन्स में छप जाती है। तो मेरे सबसे यही निवेदन है कि इस तरह की भ्रांतियों को बढ़ावा ना दें। अभी आप बात कर रहे थे गिलोय की, गिलोय में मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ और जो थोड़ा बहुत शोध पत्र हम लोगों ने पढ़े भी हैं, कई लोगों की जान गई है लीवर फेलियर होने के बाद। और ये कोविड के चक्कर में गिलोय बहुत सारे लोगों ने खाया है और हमने अपनी आंखों से देखा है लोगों की जान को जाते हुए। ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का एक प्रॉब्लम है, हम ये नहीं कहते हैं कि आयुर्वेदिक होम्योपैथिक ये अच्छी नहीं है पद्धतियाँ, बिल्कुल बहुत अच्छी हैं, बहुत बेहतर हैं, कई रोगों में बहुत कारगर भी हैं। लेकिन जहाँ तक गठिया की बात है, इनमें कई बार हैवी मेटल्स मिले हुए होते हैं, कभी मरकरी, कभी आर्सेनिक या कभी कुछ और। ये इन सब के बहुत ख़राब दुष्प्रभाव हैं हमारे शरीर के वाइटल ऑर्गन्स पे, चाहे वो हार्ट हो, चाहे वो किडनी हो, चाहे वो इंटेस्टाइन हो। तो इस तरह से साइड इफ़ेक्ट्स तो हमने बहुत बार देखे हैं, लेकिन हमने ठीक होते हुए कोई भी किसी भी मरीज को नहीं देखा है। अगर आयुर्वेदिक होम्योपैथिक या अन्य पद्धति वाले लोग भी इसको सुन रहे हों, मेरा उनसे एक विनम्र निवेदन है, मैं आपकी पद्धति को बिल्कुल भी जज नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी दवा कोई कारगर है जोड़ों के लिए, तो कृपया कर उसका एक रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल करके किसी साइंटिफिक पत्रिका में छपवाने का कष्ट करें, ताकि वो जानकारी पूरी दुनिया को पता हो और उसी के आधार पे निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि क्या इस दवा को प्रभावी माना जाए एक पर्टिकुलर गठिया के लिए या नहीं। देखिए, दोनों जो हमारे खास पैनलिस्ट थे उनसे हमने ये जानकारी आप तक पहुंचा दी है कि गठिया को लेकर आपको कब सचेत हो जाना चाहिए, क्या आपको करना चाहिए, कौन सी दवाई जो है वो आपको लेनी चाहिए, कैसे आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, तमाम चीजें हमने आपके नॉलेज तक पहुंचा दी है। तो ऐसे में अगर आप भी गठिया से ग्रसित हैं तो ये तमाम चीजें आप कर सकते हैं, बेहतर तरीके से इलाज जो है वो अपना करवा सकते हैं। बहरहाल, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें यकीन है हमारे इस खास प्रोग्राम को देखकर आपको रोग की पूरी जानकारी मिली होगी। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।